हेलो एवरीवन, और पॉलिटी की इस कंप्लीट सीरीज में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हम लोगों ने अटल 25 और 26 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में, और आज हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अटल 27 और 28 को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपके कोई भी डाउट होते हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में मेरे साथ पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ कोई भी पॉलिटी में आपका अगर डाउट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 27 के साथ। उससे पहले देखते हैं, देखिए बुद्धा जो थे, मैं जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में काफी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा इसको पूरा। देखिए इनका एक कोट है कि डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कंसंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। देखिए बुद्धा कहते हैं कि जो प्रेजेंट मोमेंट है और जो प्रेजेंट टाइम है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर is practical and needed, but present is where action needs to be taken. आपको past और future का छोड़ के present में action लेना होगा और उसी के basis पे आगे चीजें build होंगी। आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बस अपने आपके काम पे focus करना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आर्टिकल 27। देखिए आर्टिकल 27 क्या कहता है। आर्टिकल 27 कहता है कि स्टेट शैल नॉट लिवाई एंड कलेक्ट टैक्सेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन। स्टेट जो है उसको नहीं लिवाई करना चाहिए टैक्स और कलेक्ट नहीं करना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, और बाय प्रोहिबिटिंग द स्टेट फ्रॉम डूइंग सो। ऐसा प्रोहिबिट करने से स्टेट जो है वो ऑब्लिगेटरी करता है आर्टिकल 27 स्टेट को कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ना एक ऑफिशियल रिलीजन रिकॉग्नाइज नहीं करे कंट्री का, सारे रिलीजन को इक्वल रखे। बाकी आर्टिकल 27 जो है वो बेसिकली स्पेल आउट करता है जो सेकुलर कैरेक्टर है इंडियन स्टेट का। अब सेकुलर स्टेट होता क्या है, देखिए टर्मिनोलॉजी को समझिएगा। पहले मैं सेकुलर स्टेट बताऊंगा और फिर उसके बाद सेकुलरिज्म बताऊंगा, तो दोनों टर्म को समझिएगा कि ये होते क्या है। देखिए सेक्युलर स्टेट क्या होता है, सेक्युलर स्टेट इज वन विच डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री। सेक्युलर स्टेट वो स्टेट होता है जो रिकॉग्नाइज नहीं करता है किसी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन कंट्री का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और सेक्युलरिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि रिलीजियस न्यूट्रलिज्म। किसके पार्ट में, स्टेट के पार्ट में रिलीजियस न्यूट्रलिज्म जो होता है वो होता है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब ये भी होता है कि रेस्पेक्ट करना किसके लिए, डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म बेस्ड ऑन रिलीजन। ठीक है, ये देखिए ये भी मैंने आपको बता दिया, और सेक्युलर स्टेट की डेफिनेशन भी आप लोग याद रखिएगा। अभी मैं लिख दिया करूंगा, एक बार मेरा वो डिजिटल पेन आ जाएगा तो फिर लिखने में आसानी रहेगी। माउस से भी लिख सकते हैं पर टाइम बहुत लग जाता है उससे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेक्युलर स्टेट देख लिया हमने। देखिए सेक्युलर का मतलब होता है वर्डली, ये अलग होता है स्पिरिचुअल से। अब आगे जानते हैं, देखिए जो सेक्युलर स्टेट होता है ना इज नॉट एंटी रिलीजियस। क्यों, बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस द राइट ऑफ ऑल रिलीजियंस टू कोएग्जिस्ट ऑन इट्स सॉइल। एंटी रिलीजियस नहीं है सेक्युलर स्टेट क्योंकि वो रिकॉग्नाइज करता है राइट सभी रिलीजन के, वो साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं एक ही जगह पे। ठीक है, और ये एंटी इररिलीजियस भी नहीं होता है स्टेट। ठीक है, क्यों नहीं होता है इररिलीजियस, बिकॉज इट इज नॉट इनडिफरेंट टूवर्ड्स रिलीजन एंड इट अलाउज टू बेनिफिट ऑल रिलीजन। देयरफॉर अ सेक्युलर स्टेट इज नाइदर रिलीजियस नॉर एंटी रिलीजियस और नॉर इररिलीजियस। तो फिर है क्या सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट की जो नेचर है वो है नॉन रिलीजियस। ध्यान रखिएगा, सेक्युलर स्टेट का जो नेचर है वो है नॉन रिलीजियस। और जो कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, मींस दैट द नीड ऑफ द कंट्री इज नॉट वन रिलीजन बट म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड टॉलरेंस अमंग वेरियस रिलीजन। ठीक है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और टॉलरेंस होना चाहिए, ये जो सेक्युलरिज्म का जो नीड है इसलिए नीड है कंट्री में। इसके बाद अगर हम सेक्युलरिज्म को एज ए लीगल कॉन्सेप्ट देखें ना, तो इसका मतलब होता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड नो डिस्टिंक्शन शैल बी मेड बिटवीन वन सिटीजन एंड अनदर सिटीजन
ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, तो रिलीजन के बेसिस पे हम लोग को नहीं वो करना है, डिफरेंस करना है, और क्या कहते हैं सभी लोग इक्वल है, इक्वलिटी बिफोर ऑफ बिफोर द लॉ जो है एज अ लीगल कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म को माना गया है, और रिलीजन के बेसिस पे हम लोग डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकुलरिज्म एक तरीके से कॉर्नर स्टोन है देखिए इंडियन डेमोक्रेसी का, देखिए मैंने ये सब आपको तो बता ही दिया है कि नॉट रिलीजियस क्यों नहीं है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, और ये भी बता दिया मैंने, नॉन रिलीजियस भी बता दिया, इरिलीजियस भी बता दिया, और क्या है वो भी बता दिया नेचर, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ये जो सेकुलरिज्म है ये बेसिकली क्या है, ये इंडिया के नेशनहुड का कॉर्नर स्टोन तरीके एकदम काम करता है, और ये की फीचर है इंडियन सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ को बताता है, ये इंटीग्रेटेड पार्ट है किसका, कल्चरल इथोस, किसकी, इंडिया की कल्चरल इथोस का ये वो है पार्ट है। और हम लोग तो वैसे भी सर्वधर्म संभाव हमेशा से चलता आया है इंडिया में, जिसका मतलब होता है कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, और वन ऑफ द जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट जो सेक्युलरिज्म कंफर्म करता है मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में ये है कि ये प्रिवेंट करता है सब्जुगेशन ऑफ द स्टेट इसको टू अ पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के सब्जुगेशन को ये रोकता है स्टेट से, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है, देखिए आगे ये है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बोरो नहीं किया है कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को फ्रॉम द वेस्ट, इंडिया का जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो केम आफ्टर वायलेंस, पीपल वर फेड अप विद रिलीजन सो व्हाट अबाउट रिवॉल्यूशन, तो सेक्युलरिज्म इज कंसीडर्ड इनहेरेंट है वो इंडिया में पहले से, क्योंकि सेवरल रिलीजियस रिलीजन्स जो है वो फ्लरिश हुए इंडिया में साइड बाई साइड, जैसे इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है ना वो वेस्ट के सेक्युलरिज्म से बिल्कुल अलग है। अब इसको समझते हैं कि इंडिया का सेक्युलरिज्म वेस्ट के सेक्युलरिज्म से देखिए अलग कैसे है, ये पता होना चाहिए। तो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या है कि जो स्टेट है वो टोटली सेपरेट है फ्रॉम रिलीजन से, और जो स्टेट है वो पेट्रोनाइज नहीं कर सकती है किसी भी रिलीजन को एट ऑल। और इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या है कि जो स्टेट है स्टेट को अलाउ है टू बेनिफिट ऑल द रिलीजन, ध्यान रखिएगा all the religions provided no discrimination is shown by the state among the various religions that have made India as their home, किसी को भी discrimination नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंडिया जो है spend करती थी money subsidy देती थी मक्का जाने के लिए, ठीक है, अभी इसको इसमें subsidy ले ली गई है, शायद आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ले ली गई है, और क्योंकि ऐसा उसमें माना जाता है कि अपने पैसे से ही हज करना चाहिए, और हिंदू वो देखिए मानसरोवर लेक में भेजती है गवर्नमेंट और थोड़ा सा देती है पैसा वगैरह, फिर वेस्ट में ये सब नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए एसआर बोमई का एक केस था, उसमें ये बताया गया था कि जो सेकुलरिज्म है वो बेसिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और उसको रिमूव नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, एसआर बोमई केस में ये जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की। फिर देखिए लास्ट आर्टिकल देखते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आर्टिकल नंबर 28। देखिए आर्टिकल नंबर 28 बेसिकली है क्या, आर्टिकल नंबर 28 जो है वो क्या करता है, आर्टिकल नंबर 28 रेगुलेट करता है इम्पार्टिंग ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, कहाँ पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वही तो इम्पार्ट किए जाएंगे ना भैया रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, तो इस पर्पस के लिए इसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है आर्टिकल 28 के अंदर। अब पहले हम लोग उन चार कैटेगरी के इंस्टीट्यूट को देखते हैं कि वो चार कैटेगरी के इंस्टीट्यूट हैं क्या, और फिर देखते हैं कि किसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इम्पार्ट किए जा सकते हैं और किसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इम्पार्ट नहीं किए जा सकते हैं। देखिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डेट आर होली ओन्ड एंड मेंटेन बाय द स्टेट, ठीक है, एक अगर मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है और वो पूरा स्टेट उसको ओन कर रही है और उसको मेंटेन कर रही है, ठीक है, तो वहां पर जो रिलीजियस टीचिंग है वो नहीं प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है, इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन व्हाटसोएवर कैन बी इम्पार्टेड। फिर सेकेंड टाइप का जो इंस्टीट्यूट आता है ना वो होता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट रिसीविंग फाइनेंशियल एड फ्रॉम द स्टेट, ऐसा इंस्टीट्यूट जो एड रिसीव कर रहा हो, ठीक है, स्टेट से। और तीसरा आता है
प्राइवेट इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, जो केवल रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट के द्वारा। अब देखिए ये जो बी और सी है ना, इसमें देखिए कैसे काम करता है। देखिए ये जो बी और सी कैटेगरीज है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, इसमें जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें इम्पार्ट किए जा सकते हैं, पर ये कंपलसरी नहीं बनाए जा सकते हैं, इम्पोज नहीं कर सकते आपको कि आपको मानना ही पड़ेगा। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं पर इम्पोज नहीं कर सकते आपके, आपका मन हो तो उनको मानिएगा और ना मन हो वहां पे तो ना मानिएगा, ठीक है। फिर चौथा टाइप का जो डी पार्ट है उसको देखते क्या कहता है। देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय रिलीजियस एंडोमेंट्स। देखिए रिलीजियस एंडोमेंट्स मैंने पीछे आपको बताया था आर्टिकल में, इसमें एंडोमेंट्स का मतलब ये होता है जो फंड्स वगैरह होते हैं, अगर उससे रिलीजियस एंडोमेंट से या चैरिटेबल ट्रस्ट अगर एस्टैब्लिश करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, और एडमिनिस्टर कौन करता है, एडमिनिस्टर करता है स्टेट। अब इन इंस्टीट्यूट में क्या है ना कि जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है दे कैन बी इम्पार्टेड एंड दे कैन ऑल्सो बी मेड कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स, इसको कंपल्सरी भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, मदरसा अगर है तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इम्पार्ट किए जा रहे हैं और उसको कंपल्सरी भी बनाया जाता है कि आपको सीखना पड़ेगा इन सब चीजों को, ठीक है। तो इसी के साथ आर्टिकल 28 हम लोगों ने फिनिश कर लिया है और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी पार्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 29 और 30। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।